15 अगस्त वाले दिन ऐसा क्या हुआ कि शिवानी कुमारी फूट फूट कर रोने लगी। अपनी आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो शिवानी कुमारी हमेशा की तरह शुरू शुरू में जाती हैं स्कूल में, जो कि उनके पास में स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल, एंड वहाँ पे जाके करती क्या है, वो जो फौजी लोग होते हैं जो परेड करने आए होते हैं उनके साथ वीडियो वगैरह बनाती हैं। उसके साथ साथ शिवानी कुमारी अपने डांस का भी टैलेंट उनको दिखाती हैं, यानी कि डांस करके भी सब बच्चों को जो है दिखाती हैं, जो कि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और छोटे बच्चों को मोटिवेशन भी मिलती है। उसके साथ साथ वो वहाँ पे बच्चों को लड्डू भी बांटती हैं, और लड्डू वगैरह बांटने के बाद क्या करती हैं, वो जाती हैं फोटोशूट पे। 2024 के ये उनके फोटोज हैं नए बिग बॉस से आने के बाद। अब आते हैं मेन वजह पे कि वो जो है रोई क्यों, ठीक है आप देखिए वीडियो पहले। मम्मा की एक रिकॉर्डिंग हमारा डिंगा बेहतर नहीं है यहाँ दुनिया में, लेकिन उनकी आवाज आप तक पहुँची है। गाइस जिस किसी को नहीं पता हो, मैं उनको बता दूं कि उनके मामा श्री थे, उनका निधन हो चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसलिए शिवानी कुमारी को उनकी याद आ जाती है कि जब वो छोटी थी, जब वो छोटी बच्ची थी, तो मामा उनको पहले ही कॉल कर दिया करते थे कि तुम झंडा लेके आ जाओ और टोपी लेके आ जाओ और तुम ऐसे सेलिब्रेट करो और वीडियो बनाना उन्होंने सिखाया था। उन्होंने बोला था कि 15 अगस्त को हम लोग वीडियो भी बनाएंगे, तो शिवानी कुमारी को इनकी याद आ जाती है बहुत ज़्यादा, रिकॉर्डिंग सुन के, उनकी आवाज़ सुन के। और शिवानी कुमारी बोलती है वो तो हमारे बीच नहीं है पर उनकी आवाज़ हमारे पास है, ऐसा बोलती है शिवानी कुमारी। एंड उसके साथ साथ आप सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो गाइस। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। ऐसे अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप शिवानी कुमारी के फैन हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।